हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों अगर आप भी अपने फ़ोन से कुछ इस तरह का पोस्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं वसंत पंचमी का, तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखना है, ताकि आप खुद से ऐसे पोस्टर डिज़ाइन कर सको। दोस्तों इसका PLP फाइल मैं आपको दे दूँगा। PLP फाइल में पासवर्ड लगा होगा और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में 4 स्टेप में देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको जिप फाइल का पासवर्ड मिल जाए और जिप फाइल को आप अनजिप कर सके। तो चलिए दोस्तों समय न गवाते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों करते हैं यहाँ से वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों अपने फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको न्यू में देखने को मिलेगा। बीच में दिखेगा कुछ इस तरह का न्यू टैक्स। सबसे पहले यहाँ से आपको न्यू टैक्स को डिलीट कर देना है। दोस्तों न्यू टैक्स को डिलीट करने के लिए लेफ्ट साइड में ऊपर एक डिलीट का बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे तो ये न्यू टैक्स यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मैं जो आपको PLP फाइल दूंगा उसको ओपन करना है। दोस्तों अगर आपको PLP फाइल डाउनलोड करने नहीं आता, ओपन करने नहीं आता और पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ऐड करने नहीं आता, तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से दोस्तों आप वीडियो देख करके सीख लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं अपना PLP फाइल ओपन कर लेता हूँ। PLP फाइल ओपन करने के लिए सिंपली राइट साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे से तीसरे नंबर ओपन PLP फाइल पे जाएंगे। जैसे ओपन PLP फाइल पे जाएंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस वहाँ आपको देखने को मिल सकता है, अगर आप भी अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में PLP फाइल ऐड करके रखोगे तो। दोस्तों यहाँ से आपको जिसका पोस्टर या बैनर डिज़ाइन करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार ओके करके हम कुछ इस तरह से एक बार यहाँ से बैक आ जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा PLP फाइल ओपन हो चुका है। दोस्तों अगर आप इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से, तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, राइट साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट के नीचे क्लियर का ऑप्शन है, इस पर चले जाएंगे और यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं जो रेड लगा हुआ है ये दोस्तों सब लॉक हो चुका है। इसको आप यहाँ से अनलॉक कर लेंगे, दोबारा लेयर के ऑप्शन पर चले जाएंगे, फिर आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आप अपना फोटो PNG लगा लेंगे, अपना नाम दे देंगे और साथ में अपने सोशल मीडिया का यूजर नेम दे देंगे, तो आपका जो पोस्टर है बसंत पंचमी का बनके तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आप अपना फोटो PNG कैसे लगाएंगे। दोस्तों जो फोटो PNG लगाने से पहले जो फोटो PNG इसमें लगा होगा इसको आपको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के लिए कुछ इस तरह से हम फोटो PNG को एक बार सेलेक्ट कर लेंगे, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर डिलीट का बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे तो ये फोटो PNG यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो फोटो PNG दोस्तों आप लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसको सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे से दूसरे नंबर फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और गैलरी में से अपना फोटो PNG जो आप लगाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से दोस्तों हमने एक फोटो PNG सेलेक्ट कर लिया है। अगर दोस्तों आपको फोटो PNG बनाने नहीं आता कुछ इस तरह से HD क्वालिटी में, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा। उस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से दोस्तों आप वीडियो देख करके कुछ इस तरह से फोटो PNG बनाना सीख सकते हैं। दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगा कुछ इस तरह से, लेफ्ट से भी और राइट से भी, और दोस्तों नीचे से कर देंगे राइट। जैसे राइट करेंगे दोस्तों आप भी अपने फोटो PNG को तो कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। इसको मोटे वाले बिंदु पर टैप करके दोस्तों कुछ इस तरह से हम छोटा कर लेंगे और फोटो PNG पर टैप करके दोस्तों जहाँ हमें अपना फोटो PNG लगाना है वहाँ ले आएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा करके अपने फोटो PNG को एडजस्ट कर लेंगे, ताकि देखने में कुछ इस तरह से अच्छा लगे। जैसे आपका फोटो PNG दोस्तों फिट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों नाम चेंज करने के लिए सिंपली नाम वाले ऑप्शन पे जाएंगे, डबल टैप करके यहाँ से सबको बैक कर देंगे। जो भी आपका नाम होगा वो आप अपना नाम यहाँ पे लिख लेंगे। दोस्तों इनका नाम है दोस्तों दिनेश लाल यादव, तो कुछ इस तरह से मैं इनका नाम यहाँ पे लिख दूंगा। और नाम लिखने के बाद दोस्तों सिंपली राइट साइड में सबसे ऊपर ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसको नाम बड़ा हो चुका है, तो इसको हम छोटे मोटे वाले बिंदु पर टैप करके कुछ इस तरह से
छोटा कर लेंगे और नाम को अच्छे से बीच में एडजस्ट कर लेंगे ताकि देखने में कुछ इस तरह से अच्छा लगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपने सोशल मीडिया का यूजर नेम देना चाहते हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब, तो बहुत ही इजीली दे सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको सोशल मीडिया के यूजर नेम पे जाना है, डबल टैप करके यहाँ से सबको बैक कर देना है। जो भी आपके सोशल मीडिया का यूजर नेम होगा दोस्तों कुछ इस तरह से एक्स वाई जेड टाइप कर लेंगे राइट साइड में सबसे ऊपर, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपने सोशल मीडिया का यूजर नेम देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों कम्प्लीटली हमारा बसंत पंचमी का पोस्टर डिजाइन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों इसको आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। दोस्तों गैलरी में सेव करने के लिए बीच में सबसे ऊपर शेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। बीच में दिखेगा दोस्तों आपको कस्टम, कस्टम पे क्लिक करके सबसे नीचे अल्ट्रा कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे सेव टू गैलरी। जैसे सेव टू गैलरी करेंगे दोस्तों तो ये पोस्टर बनके आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।